Hello friends, it's civil education. I'm your guideliner. कैसे हो दोस्त लोग, ये मेरे एजुकेशन चैनल है. प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए. सो टुडे वी विल टीच अबाउट गैंट्री गर्डर. ओके फ्रेंड्स, आज गैंट्री गर्डर के बारे में सीखेंगे. सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. एंड दोस्तों आपको पता है जैसे कि अभी एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ है, तो आप सबके लिए ये गैंट्री गर्डर मेरी तरफ से फर्स्ट वीडियो है. सो प्लीज़ हैव ए लुक. मैंने काफ़ी सिंपल बनाया है सो दैट यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अवर टाइम गाइस. This is first important chapter, Gantry girder, जो कंपल्सरी हर बार आता ही है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को आप अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज एलिवेशन एंड प्लान ऑफ Gantry girder गाइस. देखिए ये क्रेन ट्रस है, जैसे आप देख सकते हो इसमें क्लियरली लिखा है दिस इज रूफ क्लियरेंस, दिस इज हुक अप्रोच, दिस इज बोल्ट, दिस इज बेस प्लेट, दिस इज कॉलम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल गैंट्री गर्डर. ओके गाइस, इसको बोलते हैं गैंट्री गर्डर. बहुत सही. ओके, सो नाउ इट्स क्लियर. तो हमें डिज़ाइन करनी है वो गैंट्री गर्डर की करनी है जो कि ये है. ओके, हमें इन सब से कुछ खास लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे डिज़ाइन सिर्फ इसकी है. लेकिन लेकिन सारा लोड इसका जो भी है समथिंग, वो सारा इस पे ही है. दिस इज़ द बेस ऑफ ईच लोड जो कैरी करने वाला है. तो इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हम इसकी डिज़ाइनिंग करना है जिसको गैंट्री गर्डर कहते हैं. इसको आप ऐसे देखोगे, इसका प्लान देखोगे तो ये ऐसा है. ये व्हील बेस है जिसको हॉइस्ट हुक कहते हैं. ये ऊपर से है इसका हुक एंड हम देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, दिस इज गैंट्री गर्डर. समझे हो दोस्तों? प्लीज़ 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 इसको ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा उतना, बट ऐसे समझाऊंगा कि आप समझ जाओगे. क्योंकि डिटेल में अगर मैं गया तो शायद आपको इतना समझ में नहीं आएगा. ओके, टाइप्स ऑफ गैंट्री गर्डर. ओके, दिस इज फ्यू टाइप्स ऑफ गैंट्री गर्डर विच यू शुड नो. एक ऐसा रहेगा, इसको चैनल सेक्शन बोलते हैं गाइस, इसको चैनल बोलते हैं, इसको आई सेक्शन बोलते हैं. दिस इज आई सेक्शन एंड दिस इज चैनल, दिस इज चैनल. सब में ऐसा है, ये दिस इज टू डिफरेंट सेक्शन, दिस इज चैनल एंड दिस इज आई बीम. ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना. डिज़ाइन प्रोसीजर, सबसे पहले मैक्सिमम व्हील लोड कैलकुलेट करेंगे हम. उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हमें UDL फाइंड करना है क्रेन गर्डर पे, जो कि टोटल वेट ऑफ क्रेन गर्डर डिवाइड बाय स्पान ऑफ क्रेन गर्डर है. ठीक है, नेक्स्ट इज लोड ऑन ईच व्हील. दोनों दो साइड व्हील रहेंगे. देखो आपको यहाँ देखो, इस यहाँ पर दोनों साइड व्हील रहेगा. इसमें क्लियरली आप शायद देख नहीं पाओगे, तो वहाँ पर व्हील लोकेटेड है, वहाँ पर रहेगा जो हेल्प करता है मूवमेंट्स में. तो गाइस ये व्हील लोड ऑन ईच व्हील, रिएक्शन जो हमें मिलेगा डिवाइड बाय टू. ओके, दो व्हील है तो दोनों तरफ इक्वल रिएक्शन होगा. मैक्सिमम बीएम इन गैंट्री गर्डर, यूडीएल मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन द गैंट्री गर्डर फाइंड करेंगे हम दोस्तों, जो कि UDL ऑफ गैंट्री गर्डर फाइंड करेंगे. जो कैसे फाइंड करेंगे, सेल्फ वेट होगा उसका
प्लस वेट ऑफ रेल सेक्शन, ठीक है, उसके ऊपर रेल आएगा, गैंट्री गर्डर जो बोलते हैं जिसके ऊपर रेल है, जो वो हुक मूवमेंट के लिए जो पूरी कैब है उसके लिए, तो उसको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। मैक्सिमम शेयर फोर्स फाइंड करना है फिर। गाइज लेट मी टेल यू, ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। ये रहा क्वेश्चन, ओके, जस्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये नोट डाउन करिए पहले, ये स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सीरीज़ में है, ओके फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ओके। देन सेक्शन सेलेक्शन फॉर गैंट्री गर्डर, हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है, जो अगर आप ज़्यादा डीप में आप गेट की वगैरह तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये जस्ट एक आइडिया है जो आप पेपर में उतार सकते हो, आई मीन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओके। इसलिए मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा इतना, सेक्शन कैसे सेलेक्ट करना है वो सब आपको, उसके लिए स्टील बुक चाहिए, ओके, स्टील बुक में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। मैं अभी ये बस सिंपल वीडियो बना रहा हूँ जो बिगिनर्स है, आई मीन जो अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चंस, ओके। कैलकुलेट आई एक्स एक्स, आई वाई वाई एंड जेड बी ऑफ द सेक्शंस, जो जो भी डिफरेंट सेक्शन है, आई सेक्शन, फ्लेंज वगैरह एक्सेट्रा। फिर चेक फॉर मूवमेंट कैपेसिटी, जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा उसमें दोनों एंड पे उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी वो कैलकुलेट करना है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कोड बुक से मिल जाएगा, जो कि होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू 1.2 जेड ई एफ आई अपॉन दिस सेफ्टी फैक्टर दिस गामा एम नॉट। फिर चेक फॉर शेयर कैपेसिटी, मैक्सिमम शेयर फोर्स इक्वल्स टू वी जेड, शेयर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है ये भी आपको कोड बुक से मिल जाएगा, वो कौन सा है पेज मैं आपको लेटर बताता हूँ। फिर चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस, ये भी आपको कोड से मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज स्टेप्स, ये आपको याद रखना है सीरीज में, ओके, ये आगे पीछे नहीं कर सकते। देन चेक फॉर बकलिंग, लोकल बकलिंग, ओके। देन वेल डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन एट वर्किंग लोड्स, ठीक है, दिस इज द थिंग, बेसिक थिंग आपको याद रखना है, ये स्टेप्स जो कि 11 स्टेप्स है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट इट, ओके फ्रेंड्स, नाउ आई शो यू, इसमें जो कोड है मैं आपको बताया था जैसे कि फर्स्ट वीडियो में, ये रहा जो आपको मोमेंट कैपेसिटी फाइंड करना है, उसका पेज नंबर रहेगा 53, IS 800-2007, ओके फ्रेंड्स। अब मेरी बात गौर से सुनना, जो IS 800-2007 है आपको इसी कोड को यूज़ करना है, एक्चुअली मोस्ट ऑफली आपको यही कोड यूज़ आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट दिस अगेन, ओके, तो दूसरे कोड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई होप सो। देन नेक्स्ट इज चेक फॉर शेयर कैपेसिटी, वो रहेगा 59 पेज नंबर, क्लॉज नंबर 8.4.1, ओके। एंड नेक्स्ट चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस, इट वुड बी लाइक क्लॉज नंबर 8.2.2, पेज नंबर 54। देन स्टेप नंबर 9, चेक फॉर लोकल बकलिंग, उसका रहेगा पेज नंबर 67, क्लॉज नंबर 8.7.3.1। देन वेल डिज़ाइन, उसका क्लोज रहेगा 10.5.7। देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन, वो रहेगा 31 पेज नंबर, ओके। एंड गाइस स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग, इन सब के स्टेप्स वेरीज हो सकते हैं अकॉर्डिंगली, ओके। सो स्टेप्स याद करिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट्स रिपीट वंस अगेन फॉर दिस वीडियो, मैक्सिमम वी लोड, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो ऊपर से आएंगे, यहाँ वी लोड फाइंड करना है सबसे पहले, ओके। देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द गैंट्री गर्डर, उसमें जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, जो लोड रहेगा हुक पे, उसके वजह से कितना आएगा,
एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ वेट आएगा एंड देन वेट ऑफ रेल सेक्शन. ओके देन मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है, शेयरिंग जो होगा जो ट्विस्टिंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट शेयर होगा जो जो बेंडिंग मोमेंट मीन्स लोड के हिसाब से रहेगा, शेयर लोड के हिसाब से प्लस डिज़ाइन के हिसाब से रहेगा. सेक्शन सिलेक्शन रहेगा, कौन सा सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है गैंट्री गर्डर के लिए. ओके देन कैलकुलेट दिस आई एक्स एस आई आई जेड जेड आई वाई वाई एंड जेड पी जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं. देन चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी. ओके देन चेक फॉर शेयर कैपेसिटी. पहले मोमेंट फाइंड करना है हमें यहाँ बेंडिंग मोमेंट, फिर उसको चेक करना है, चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस, फिर और क्या चेक करना है, चेक फॉर लोकल बकलिंग. ओके देन वेल डिज़ाइन करना है वेल्डिंग. ओके देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन. ओके पहले बेंडिंग मोमेंट चेक करना है, उसके बाद बकलिंग चेक करना है, आई मीन शेयर कैपेसिटी चेक करना है, उसके बाद बकलिंग एंड देन लोकल बकलिंग. ओके देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन एट लास्ट. ओके गाइस सो अगर कुछ कन्फ्यूजन है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो सॉरी फॉर दैट एंड कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो, आपको सम्स करवाता हूँ. लेट्स डू द सम्स.